खबर गंगापुर से है, जहां सिटी नेशनल हाईवे काजी कॉलोनी में एक किसान के खेत में अचानक आग लग जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। दरअसल किसान के खेत में गेहूं की कटी हुई फसल, हस्ती पाइप और फांफरी के ढेर लगे हुए थे और तभी अज्ञात कारणों के चलते खेत में आग लग गई। बता दें कि आग इतनी विकराल थी कि खेत से बाहर निकलना मुश्किल हो गया और इधर उधर भागकर किसान और उनके बच्चों ने जान बचाई। वहीं इस आग की सूचना मिलते ही सदर पुलिस मौके पर पहुंची और अग्निमिशन विभाग को सूचित की। जानकारी लगते ही नगर परिषद की दमकल ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। स्थानीय लोगों की माने तो आग लगने से खेत में 8 से 10 लाख रुपए का अनुमानित नुकसान बताया जा रहा है। नादोती तराय के पास में खेतों में आज दिन को आग लगी थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और खेतों में कुछ फसल काट करके रखी हुई थी और कुछ में जैसे तूड़ी भरी हुई थी, तूड़ी में और फसल में आग लगी है और कारण का भी पता नहीं चला है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। ये पूरे गेहूँ फसल हमारे 50 लाख रुपये की फसल जल गई। बीच में ये बच्चे ये भी जल गया थे, पहले इनको बता दिए कहने पैप थे पूरे जल गए। इधर फाफड़ी थी पूरी जल गई। अगल बगल में पूरे जितने भी बेटे बड़ी था फड़ी था जो भी लड़ा गेहूँ और तूड़ा सब सिरचो सब खत्म। करीब इनका गेहूँ 100-200 मण तो तूड़ा फाफड़ी सिरसो पाइप काफ़ी नुकसान हुआ। पूरे किसानों का लगभग 40-50 लाख का नुकसान हो गया है।